हे गाइस, मेरा नाम है आकाश। मेरा नाम है राज। और आज हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं डक्की भाई के स्पेशल वीडियो पर, हमारी मुलाकात और शादी कैसे हुई। तो देखते हैं दोनों कैसे मिले। काफी हमें क्यों इंटरेस्ट रहता है पता नहीं, लेकिन ह्यूमन क्यूरियोसिटी है दूसरे लोग का रिश्ता कैसे हुआ, कैसे मिले। नेचुरली है ना ऐसा। हाँ। कि किसी का कुछ रहेगा तो हम काफी एक्साइटेड होते हैं। हाँ। लेकिन ऐसा कभी कभी फील होता है ऐसे वीडियोस देखते वक्त कि एक उसमें एक्साइटेड नहीं होता कि जो लड़की पे हमें क्रश होता है उसको कोई दूसरा लड़का लेके जाए तो वो हाँ तब वो स्टोरी सुनना भी नहीं है, स्टोरी सुनना भी नहीं, मतलब वो देखना ही नहीं है बस। हो गया, अब नजर मत मिलाना, ना देख उस लड़की को, नहीं देखना। और वो लड़का रहेगा तो भाई तुम दोनों साथ में घूमो ही मत। लेकिन ऐसे वीडियोस देखते वक्त थोड़ा बहुत ऐसा लगता है कि वो मोहल्ले की आंटियां होती है ना, हाँ, जो दूसरे के लाइफ में बहुत इंटरेस्टेड होता है, वैसा वाला फीलिंग आ रहा है। तू ये कहना चाहते हैं हम मोहल्ले की आंटी हैं? तो मेरा नाम है मोहल्ले की आंटी नंबर वन और मैं कोई नहीं, मैं आकाशी हूँ। चलो लेट्स चेक इट आउट। एक नॉर्मल इंसान के लिए और यार इसके लिए बहुत मुश्किल था यार, ये इसने रोना शुरू कर दिया। तुम लोगों को पता नहीं है ये यूट्यूबर नहीं थी, ये इंस्टाग्राम पे नहीं थी, ये एक नॉर्मल लड़की थी जिसने स्कूल जाना होता है, कॉलेज जाना होता है। हेलो जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और भाई तुम लोग देख सकते हो ओरिजिनल लिंक टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन में। ठीक है यार, अब लोग बता यार, रोजे रोजे होते हैं, ठीक है रोजों में अब मैं दिन को तो नहीं व्लॉग बना सकता। तो अभी सीन ये है कि हम लोग शावी भाई के साथ आए हुए हैं, मिसेस शावी जाफरी भी हैं और हमारी वाइफी भी हैं। और आज जो है हम लोग वीडियो करने वाले हैं। तुम लोगों को थोड़ा बहुत बताया था वीडियो के बारे में, वीडियो तुम लोग को शावी के चैनल पे मिलेगी। वीडियो का सीन ये है कि यार हम लोग को पैसे पुसे मिलेंगे थोड़े से, ऐसा ही है। ट्रिपल सी, अच्छा कपल्स कुकिंग चैलेंज, तो हमें कुछ पैसे मिलेंगे, हमने उसकी शॉपिंग करनी है, जो अच्छा खाना बनाएगा वो जीत जाएगा। तो अभी जो है तुम लोग देख सकते हो माइक शाइक जो है अटैच हो गई, तार लटक रही है यार, इसका कुछ करो, कहीं लगा दो परमानेंटली ना। बस ठीक है, इनकी मैनेजमेंट ने जो है आपके मना कर दिया है कि हम लोग यहाँ पे शुगर नहीं लगा सकते। अभी जो है हम लोग को जाना पड़ेगा किसी और स्टोर पे, वहाँ पे देखते हैं हमारा काम हो सकता है कि नहीं। ये देखो कितनी क्यूट है वहाँ में, अभी एक घंटा हुआ है और लोगों ने 3 लाख व्यूज उस वीडियो पे दिए हैं जहाँ पे मैं सिर्फ बीमार हुआ हूँ। क्यूट है वहाँ में यार, मैं इस चीज का तुम लोगों से थैंक यू करता हूँ, ठीक है, लव यू हो गया यार। तो अभी मसला ये हुआ है कि यार वहाँ की जो मैनेजमेंट है, जिस स्टोर में हम लोग पहले वीडियो बना रहे थे उसकी जो मैनेजमेंट है, वहाँ पे हमें जो है काम शाम करने नहीं दे रही, और वहाँ पे जो है ना रश भी बहुत आया था। तो अभी हम लोग जो है ना किसी और जगह पे आए हैं, होपफुली यहाँ पे रोला नहीं होगा, यहाँ पे हमारी वीडियो बन जाएगी, देखते हैं क्या बनता है। अभी शावीर भाई किधर है? हाँ क्या बना ब्रो, बहुत कुत्तन हो रहा है। इन्होंने क्या कहा? रियलाइज ही नहीं हो रहा यार, इनकी फ्री यार, इनकी फ्री में प्रमोशन हो रही है यार, यहाँ पे उनके शॉपिंग हो रही है, उनको पता होना चाहिए। कितने बड़े ऑडियंस के सामने, बड़े यूट्यूबर, लेकिन ब्लर्ड ब्लर कर, हाँ लेकिन नहीं किया फिर। तो अब क्या प्लान? अब बैक टू अल्फता ना। अच्छा मतलब अल्फता भी नाम नहीं लेना, उन्होंने भी खबर किया। हाँ बीप बीप बीप। तो अब जो है हम सीन ये हुआ कि जब वो क्लोज करेंगे तब जाके जो है हम लोग वहाँ पे अपनी वीडियो शीडियो कर सकते हैं। अभी उसी जगह पे वापस आ गए जहाँ पे हम लोग पहले गए थे। अब देखते हैं यहाँ पे हमें मुंह लगाएंगे स्टोर वाले के, नहीं यहाँ पे हमें वीडियो करने देंगे के नहीं। Three hours later. Boom. तो यार फाइनली वीडियो जो है डन हो चुकी है, फिल्मिंग शिमिंग सारी हो चुकी है, तुम लोग देख सकते हो काफी खलारा है। और अभी जो है हम लोग जा रहे हैं घरों को, कल मिलते हैं। शावी भाई की तरफ से गिफ्ट भी मिले हैं, बहुत थक गया, टाइम लग गया काफी, लेकिन मजा आया, वीडियो शीडियो हो गई है। अरु चावी तुम्हारे पास? हाँ। देना यहाँ रख ले। थैंक यू सो मच ब्रो। चलो ब्रदर, थैंक यू सो मच यार। इंटरेस्टिंग लग रहा है इन दोनों का भी दोस्ती कितना अच्छा हो गया है। और मुझे ना काफी ज्यादा लोग ये कह रहे हैं कि यार कि आप और आपकी भाभी कैसे मिले हो, उसकी एक स्टोरी टाइम तो बताओ ना, थोड़ा कुछ बताओ तो सही, हुआ क्या, कैसे हुआ। तो आज जो है मैंने आपकी भाभी को इन्वाइट कर लिया, ठीक है, मैंने कहा यार साथ मिलकर वीडियो बनाते हैं। हम लोग देख सकते हो लाइटें शाइटें कैमरा तो नहीं सेट हुआ, कैमरा यही है जिसे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, इसको यहां पे ट्राइपॉड पे लगाते हैं। ट्राइपॉड किधर है? अच्छा चलो, तो यार यहाँ से छोटा सा स्टोरी टाइम शुरू होने लगा है, उसके बाद एक बड़ी मजे की अनाउंसमेंट भी है, तो मिलते हैं। ओके, फर्स्ट डेट जो है यहाँ पे मेंशन मैं करना चाहूंगा वो है 12th April 2018, जब मेरी और अरूप की फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन हुई थी इंस्टाग्राम पे। तब मेरे कोई तकरीबन थे 1,60,000 या 2,00,000 सब्सक्राइबर के बीच में थे, तब मुझे इनका मैसेज आया था, ये इनका मैसेज आया था, मैं तुम लोगों को दिखाया था यहाँ पे, कि मैं स्क्रीनशॉट आ रही होगी। यू आर सो फनी आई स्वेयर। वैसे तुम मुझे ये बताओ, ऐसा क्या मेरी ठंडी चुस्सों में तुम्हें फनी लग गया था तब? यू आर फनी।
देखो याली, इसने मुझे एज अ ऑडियंस मैसेज किया है। मैंने जब इसको रिप्लाई किया तो थोड़ा वो खुश हो गई इस चीज को लेके कि अच्छा मुझे रिप्लाई किया है। वहां से बस मैंने छोटी मोटी बात करना शुरू कर दी ही, छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया है। गपे शपे लगती रही तो मैंने भी फॉलो बैक कर दिया उसको, तब से वो मेरी फॉलोइंग लिस्ट में है। यार वैसे मैं छुपाने में बड़ा अच्छा हूँ क्योंकि 2018 से लेकर 2022 तक लोगों को पता ही नहीं लगा कि तुम भी हो। कभी कभी तुम लोगों से ये छुपानी पड़ जाती है, वैसे कोई सीक्रेट नहीं था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि मेरी बर्थडे आई थी 2019 को दिसंबर 21st, तो उससे पहले हमारी कुछ इस तरह की बातें होती थी, लेट्स कैच अप, कभी मिलते हैं। लेकिन मुझे वहां से ना थोड़ा बहुत एक आइडिया इस तरह से भी था कि ना थोड़ी शर्मीली सी है, तो मैंने इसको बर्थडे पे इनवाइट किया। लेकिन मैंने इसको कहा कि यार तुम एक काम करो, तुम अपनी किसी दोस्त को भी ले आओ, क्योंकि मुझे पता था उसने वहां बैठ के जो है ना अकेले वो थोड़ा शर्मीली सी थी ये, ठीक है। तो मैंने तो इसको कहा कि यार तुम अपने किसी दोस्त को ले आओ, तो वीकेंड कैच अप हम लोग मिल लेते हैं। तो हम लोग की पहली मुलाकात थी और हम लोगों ने ये पिक्चर ली थी जो इसको पसंद नहीं है। खैर चलो एक फोटो तो ले ली हमने, वो हमारी थी पहली मुलाकात। उसके बाद बात ही नहीं की है इसने, कोई मैसेज नहीं किया, कभी कभी बस मेरी किसी स्टोरी पे रिप्लाई कर देती ही, वरना कभी इस तरह की कोई कन्वर्सेशन हुई नहीं है। और मैं भी खैर बिजी हो गया, तुम लोगों को पता ही है, रोस्टिंग शोस्टिंग ये छोटी मोटी टिकटॉकर वाली ये चलती रहती ही, 2019-20 की बात आई है। खैर उसके बाद क्या हुआ कि हमारी वापस थोड़ी बहुत ना बात होना शुरू हुई। इसने घर में कुछ ना खाने की चीजें बनाई थी, तो कहती कि यार मैं चाहती हूँ कि तुम टेस्ट करो, तो मैंने कहा कोई मसला नहीं है। तब मैंने इसको पहली बार अपना व्हाट्सएप नंबर दिया और मैंने इसको कहा था कि यार तुम यहाँ पे कोऑर्डिनेट करो, इंस्टाग्राम पे ना मैसेज थोड़े ज्यादा हो गए हैं तो वहाँ पे ना थोड़ा मुश्किल होता है रिप्लाई करना। तो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया, अगस्त 2019 के अंदर मैंने फर्स्ट टाइम व्हाट्सएप नंबर शेयर किया, क्योंकि इसने मुझे कुछ खाने की चीजें बेचनी थी, तो ये वो डेट है 2019 के अंदर ये छोटी मोटी खाना 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 बेच के लाइनें मारा करती थी। यार मैं बहुत हल्की हल्की, मैं खाना नहीं बेचता था, मैं वैसे कोई छोटी मोटी चूसे मार देता था, मुझे मेरी जान लोकेशन दी। तो इसने मुझे कुछ घर में ना कुछ खाने की चीजें इसने कुछ बनाई थी, इसने मुझे कहा कि यार मैं चाहती हूँ तुम टेस्ट करो। अच्छा वैसे तुम उस दौरान का टाइम बताओ कि उस दौरान तुम पसंद करती थी या क्या था, थोड़ा लाइक मर्जी अगर तुमने बताना तो ठीक है। बस हमेशा से, तो तुम शुरू में नहीं बता सकती 2018 में, अगर 2020 तक हमारी शादी हो जाती। नहीं, I was shy. उसके बाद क्या हुआ कि मैंने खाना वगैरह इसने जो मुझे भेजा है वो मैंने ट्राई किया, कहा यार बहुत अच्छा एवरीथिंग, थोड़ा अप्रिशिएट, मजेदार किया मैंने मजेदार किया, ठीक है। दोबारा हमारी बातचीत शुरू हुई थी, तब भी हम मीम्स शेयर करते थे पहले। हाँ, मीम्स वगैरह छोटी मोटी शेयर करते थे, मुझे समझ नहीं आती थी कि हम क्या, मैं क्या बात करूँ। तो हाँ, और उसके बाद तुम लोगों को पता ही है हम लोग चले गए थे दुबई। ये वाला जो व्लॉग है तुम लोगों को यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, यहाँ से आई थिंक कुछ साल दो साल पुरानी वीडियो है। इस दौरान हमारी प्रॉपर तरीके से एक अच्छी बातचीत होना शुरू हुई थी, उस तरह की बातचीत के मतलब बंदा घंटा दिन में बात करता ही था, घंटा दो घंटा। और फिर उसके बाद मैंने इसको लगा दिया पबजी पे, मैंने इसको जान के पबजी पे लगाया ताकि हम लोग कॉल पे बात कर सके, वरना इस ये भी शर्माती थी कॉल पे बात करने से, और मैं भी मैसेज मुसेज कर करके मेरी उंगलियां थक गई थी। इसको पबजी खेलने नहीं आती, इसको मैंने थोड़ी पबजी सिखाई, पबजी के अंदर तुम लोगों को पता है वॉइस चैट होता है, तो वहां पे जो है ना हमारी पहली बार बात होना शुरू हुई। उससे पहले हमारी कॉल तक पे बात नहीं होती ही, कॉल तक पे हमारी बात नहीं होती ही। वो पबजी पहला था जहां पे मैंने इसकी प्रॉपर्ली कोई सालों बाद इसकी मैंने आवाज सुनी थी। कभी इसकी कोई दोस्त आई होती ही, हम लोग उसके साथ खेल रहे थे, मैं इंतजार करता था कभी इसकी दोस्त जाएगी तो मैं इसे प्रॉपर तरीके से बात करूंगा, ठीक है, अपनी पर्सनल बातें करूंगा। हां, तुम्हारी दोस्त आके बैठी रहती थी, हम लोग बात नहीं कर पाते, आके बैठ जाती थी। अच्छा खैर, फिर 2021 के अंदर आई स्टार्टेड लाइकिंग हर, 2020 के एंड से लेके मैंने भी आहिस्ता आहिस्ता इसके लिए फीलिंग स्केच कर ली थी, ठीक है। फिर क्या हुआ था कि एक दिन हमारी बात हो रही थी कॉल पे, पहले तो अच्छी भली बातचीत हो रही थी और एक पॉइंट पे ना ये थोड़ा ना चुप सी हो गई। क्या बात हुई थी एग्जैक्ट? हम लोगों के टोटली वो डिफरेंट था ना कि तुम मीडिया नहीं मतलब सोशल मीडिया से थे, और इस तरह भी मेरे माइंड में आता था कि नहीं पता नहीं मुझे इस तरह से तुम्हें होना भी चाहिए इंटरेस्टेड या नहीं, इस तरह की मेरे माइंड में जो थॉट्स आते थे। तो हमारी ना बातें इस तरह से हो रही थी कि ये मुझे किसी तरह बताना चाह रही थी कि यार मेरे जिंदगी में ना बहुत कम दोस्त हैं और मैं तुम्हारे साथ ना बहुत एक अटैच्ड हो गई हूँ। अब मुझे डर है कि यार तुम्हारे साथ इतने और दोस्त होते हैं, सोशल सर्कल हमेशा से बहुत, क्योंकि अब जाहिर है अब अगर आप यूट्यूबर हो तो आपको और मिलते रहते हैं लोग, कभी आप फलानी जगह चले गए, कभी किसी शूट पे चले गए, कभी किसी इवेंट पे चले गए, कभी फलाना पीसा अवार्ड ये वो, लोगों के साथ हल्ला गुल्ला आपका लगा रहता है यहाँ। हाँ, और ये बिल्कुल अपोजिट थी इसके, मुश्किल से एक से दो दोस्त
थे बस। तो ये मुझे आके कहा करती है कि यार तुम अब मेरे उस तरह के दोस्त हो गए हो कि अब मुझे डर लगता है कि तुम कहीं मुझे भूल ना जाओ, क्योंकि तुम एक यूट्यूबर आदमी हो। क्योंकि जब हमारा इंटरेक्शन हुआ ना तब ये इस तरह की बातें नहीं करती थी, क्योंकि मैं भी क्या था, कोई 1 लाख सब्सक्राइबर 2 लाख सब्सक्राइबर इससे ऊपर थे नहीं, और इसको भी ऐसा नहीं लगता था। तुम्हें तुमने वैसे एक्सपेक्ट किया था कि 1 मिलियन 2 मिलियन 3 मिलियन 3.5 मिलियन पार हो जाएगा ये वो? अच्छा एक्सपेक्ट किया था? नहीं, कैसे? तुम इतना हार्ड वर्क करते थे। मुझे आइडिया हो गया कि इसके, कौन कॉल कर रहा है यार, इतनी मजे की बात कर रहा हूं मैं। और वहां से ना मुझे एक आइडिया हो गया कि इसके दिल में ना कोई फीलिंग है मेरे लिए। और मैंने इससे ना कॉल पे पूछने की कोशिश की, मैंने इसको कहा कि यार अरूप तुम बता दो तुम्हारे दिल में जो भी है। इसने मुझे ऐसा कुछ नहीं बोला, आई लव यू या ऐसा कुछ नहीं बोला, चुप करके बैठी रही। घंटा दो घंटा हमारी साइलेंट साइलेंट कॉल हमारी अहम ही पड़ी रही, ठीक है। मैंने इसको कहा अच्छा तुमसे नहीं कॉल पे बात की जा रही तो तुम एक काम करो। और ये बात भी बताओ कि मैं हमेशा कॉल पे कुछ नहीं बताती, हमेशा टेक्स्ट करती हूं। हां टेक्स्ट करती ही, अगर इसको इस तरह की बात करनी होती मैं टेक्स्ट करता था। मैं दूसरी तरफ कॉल पे खुल के बताता है इसको सब कुछ। मैंने इसको कहा कि अच्छा तुम एक काम करो तुम टेक्स्ट पे बता दो, बिंदास है मतलब। तब भी मैंने इसको बड़ा फोर्स किया, बता दो बता दो बता दो। फिर इसने ना बड़ा लंबा एक टेक्स्ट लिखा, कोई 20-25 लाइनों का एक टेक्स्ट था व्हाट्सएप पे, लेकिन उसका मतलब यही था कि आई लव यू। उसमें ऐसी कोई भी बात नहीं लिखी थी, लेकिन उसका मतलब यही था, तशरीह उसकी यही थी कि आई लव यू। मैंने नीचे लिख दिया आई लव यू टू, बस बस वहां पे तुमने भी लंबी सांस ली, मैंने भी लंबी सांस ली। बस वहां पे एक चीज उसको भी शोर हो गया, मुझे भी शोर हो गया, क्योंकि मैंने भी अपने अंदर इसके लिए बहुत देर से ना फीलिंग होल्ड की हुई थी। अब मैं चीजों को क्रैक कर लेता था, तो इसने जब मुझे टेक्स्ट वगैरह लिखा लंबे लंबे तो मुझे आइडिया हो गया, तो मैंने इसको भी कह दिया। फिर मैंने इसको कॉल की, कॉल पे भी फिर मैंने इसको आई लव यू बोला, फिर मैंने इसे आई लव यू बुलवाया, वो तब भी नहीं बोलती थी, तब भी शर्माती है। और तब मैंने इसे पूछा भी था तो कहते मेरे कॉल में बोलने में शर्म आती है। कहा था इसने, मतलब ये सारे रोले चलते रहे। उसके बाद हमने प्लान किया कि अच्छा चलो मिलते हैं, कभी मेरा कोई काम आ गया, कभी मेरा कोई शूट आ गया, कभी कोई पबजी की वीडियो आ गई, कभी कोई लाइव स्ट्रीम आ गई, कभी इसके एग्जाम्स हो गए। वो मिलना जो है ना हमारा कोई 7-8 महीने डिले होता गया होता गया होता गया होता गया। उसके बाद 11 सितंबर 2021 ने मिलने का डिसाइड किया, वो फर्स्ट टाइम हम लोगों की मुलाकात हुई थी। वैसे तुम भी थोड़ा बोल सकती हो, वैसे मैं ही बोली, मैंने इसलिए उठाया ताकि तुम भी थोड़ा अपनी साइड हो तो स्टोरी भी बताओ। ये मैं तुम लोगों को एक छोटी सी स्नैप दिखा देता हूँ, मैं ऐसी गाड़ी चला रहा तो इसने हल्का सा ना ऐसा करके रिकॉर्ड किया। उसके अंदर मैं भी बड़ा शर्मा रहा था, ये भी बहुत ज्यादा शर्मा रही थी। और हमारा पूरा दिन हम लोग शाम 3-4 बजे से लेके हम लोग रात 9 बजे तक वैसे ही कभी खाने चले गए, कभी ड्राइव कर लिए, वो वहां तक थे, ठीक है। साथ मुझे एक दफा भी नहीं देखा, साथ ने मुझे, मैंने इसको एक बार भी नहीं देखा, मुझे वैसे ही शर्म आ रही थी। अच्छा उसके बाद फिर मैंने इसको घर छोड़ा, इसका घर और मेरा घर जो है ना पूरा 1 घंटे के सफर पे है। तो जब मैंने इसको छोड़ा ना, और जब मैं घर जाने का सफर मेरा कम से कम 1 घंटे का था, तो मैं ना इसी बारे में सोचता रहा कि आज मैं इससे मिला हूं। मैं सोचता रहा। और जब मैं घर पहुंचा ना, तो मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मैंने अगर शादी करनी है तो मैंने इसी से करनी है, और मैंने कोई ना ऑप्शन रखनी है ना मेरी जरूरत कोई देखना है। लेकिन मैंने अपने अंदर वक्त था कि हम लोग ना पसंद करते थे, और दोनों को एक दूसरे का पता था कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन हम लोग शादी की बात करते ही नहीं थे। मैं साथ का वेट करती थी कि साथ मुझसे कोई बात करे कि अच्छा शादी करनी है ये वो, और साथ मेरा वेट करता था, लेकिन हम लोग कभी भी बात नहीं करते, हमने कभी भी बात नहीं की, कभी भी नहीं करते थे। और वो अभी कुछ अरसे पहले हमने बात शुरू की है, और फिर वही शादी हो, हाँ बात करती शादी हो। फिर इसकी 10 दिसंबर को बर्थडे आई, तब मैंने इसको फर्स्ट टाइम जो है एक छोटा सा सरप्राइज दिया था। मैंने कहा चलो थोड़ा वो भी दिखाना, थोड़ा वो यहाँ पे मैं तुम लोगों को क्लिप दिखा दूंगा। मैंने इसके लिए छोटा सा एक टेंट डिसाइड किया था, वहाँ पे बैठ के हम लोगों ने चाय वगैरह पी। वो हम लिटरली दूसरी बार मिले थे, हाँ वो हमारी सेकंड मुलाकात थी, बर्थडे पे दूसरी बार मिले, हाँ वो हमारी सेकंड मुलाकात थी, नहीं थर्ड। एक तो 2019 की बर्थडे होगी जिसमें हमने एक भी बात नहीं की, चलो उसको काउंट नहीं करते, हमारी दूसरी मुलाकात थी। फरवरी में मैंने डिसाइड कर लिया कि यार मैंने इससे शादी करनी है। मैंने इसको भी कहा कि तुम भी अपने घर बात करो, अब इसके घर, अब तुम अपना थोड़ा घर का बता सकती हो। अच्छा हम लोग की शादी से पहले हम सिर्फ 5 दफा मिले हैं टोटल। अच्छा मैंने सबसे पहले बताया था अपनी बहन को ये लड़का और ये वो, तो वो पहले तो बहुत हैरान हुई थी, क्या हुआ कि अच्छा, तो कहती कि तुम लोग कब से वो कर रहे हो ना आपस में लाइक रिलेशनशिप में। मैंने कहा रिलेशनशिप में ज्यादा टाइम नहीं हुआ अभी, तो वो कहती कि नहीं तुम लोग ना रिलेशनशिप में ज्यादा टाइम रहो ताकि तुम लोग को एक दूसरे का आइडिया हो, एकदम अभी शादी का फैसला नहीं आप कर सकते। तो मैंने कहा नहीं नहीं बस, मैंने कहा मैं उसको जान चुकी हूँ, ये वो ना एक सोशल मीडिया के लिए सी नॉर्मल इंसान से शादी करना होता है वो मुश्किल होता है, क्योंकि उसको मतलब उस साथ को मेरा नहीं पता था उस तरह से, जिस तरह से मैं उसको जानती थी या 4 साल से मैं सब नहीं, मैंने सारी खबरें रखी हुई थी, तुम्हारी टेंशन ना लो। हाँ, मैं सारी खबरें रखी हुई थी, सब कुछ पता था, तू अपना होता ओके
बस फिर मैंने बहन को बताया, फिर मामा को बताया कि मामा इस तरह से, मामा का रिएक्शन पहले तो नहीं 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 पागल हो, मीडिया के लड़के से शादी नहीं करनी। मम्मा मीडिया का नहीं है वो। यार देखो मीडिया एक डिफरेंट चीज है, मैं यूट्यूबर हूं, घर बैठ के वीडियो बना ली खत्म। मैं तो सेलिब्रिटी भी नहीं कहता अपने आप को, फॉलोअर्स आ गए ये तो मैं तो वो, मैं तो उस चीजों इन चीजों पर भी नहीं हूँ यार। मैं कच्चा फैन के अगर मैं बाहर फिर सकता हूँ, सेलिब्रिटी होंगे आगे दो बॉडीगार्ड की डाले फिर रहे होते हैं, ठीक है। मैं क्या अपनी सिविक वही जो मतलब मैं तुम लोगों को पता ही है व्लॉग्स में देखती हूँ। तो मामा कहते नहीं 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 मीडिया का लड़का है, कभी भी उसे शादी नहीं करनी, मैं तो पागल नहीं हूँ, कल को दूसरी कर लेगा। पर देसी थोड़ी होता है कोई। जान चुकी हूँ। फिर ना मामा थोड़ी सी ना वो थी कि पता नहीं करनी है नहीं करनी, लेकिन फिर ना ऐसे ऐसे मैं मामा को उसकी बातें बताती थी। साथ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो साथ की सारी बातें जब मैं मामा को बताती थी ना, तो वो आगे से मामा ना फिर कहती थी अच्छा इस तरह करते हैं, इस तरह कहते हैं आपको, ठीक है ठीक है। मामा ना मान गई। अब मसला था बाबा को मनाने का, जिसके लिए मैं और साथ बहुत वो थे। जब बाबा से मैंने बात की, वो इतने कॉन्फिडेंट थे कि जो अरूप ने डिसाइड किया है वो बिल्कुल सही डिसीजन होगा। हाँ एक दो उनके जो कंसर्न्स थे कि अच्छा करता क्या है, रहता कहाँ पे है, नमाजें वगैरह पढ़ता है, दीनी है नहीं है, सारा कुछ मतलब साथ अच्छा परफेक्ट। तो खैर भी मैंने बाबा को बताया, मुझे डर उनका बहुत था, लेकिन जब मैंने उनको सारा कुछ बताया ना, कहते अच्छा ये लड़का है ठीक है ठीक है, कहते मुझे ना इसकी वीडियोस दिखाओ। ओह नो। अब ये लोग यार इनको समझाओ यार, ये कहते हैं रोस्टिंग करो, फलाने की किट लगाओ, फलाने की ऐसी कर दो, मार दो सबकी। तुम लोग मेरी जगह होते तो तुम लोग इस वक्त दुनिया के सबसे शरीफ इंसान बन चुके होते। मैं व्लॉग में कभी कभी लगा लेता हूं। हाँ। हाँ। मैंने बाबा को कहा ना कि अच्छा मैं आपको वीडियोस दिखाती हूँ, मेरी तो जान पे बन गई। मैंने कहा तुमने दिखाई कौन सी वीडियो थी, वो फुल कोई शरीफ वीडियो दिखाई होगी। हाँ, हाँ, शुक्र है तुमने तो ब्लॉगिंग शुरू कर दी हुई थी। तो मैंने रोस्टिंग निकाला था पूरा, छोटे भाई वाला कोई फर्स्ट, छोटा भाई सेगा चल रहा था। हाँ मैं ना हर चीज का ना एक कैटेगरी रखी हुई है। व्लॉग स्टार्ट किया मैंने छोटा भाई सेगा से व्लॉग स्टार्ट किया, फिर दुबई सेगा शुरू हुआ। दुबई सेगा के अंदर मैंने पासपोर्ट और ये वीजा, दुबई की टिकट बुक होगी से लेके दुबई वापस आने तक दुबई सेगा चलता रहा 2-3 हफ्ते। उसके बाद फिर स्टार्ट हुआ शादी सेगा, हम लोग शॉपिंग करने गए, फिर मतलब शादी सेगा नहीं, शादी सेगा खत्म हो गया। शादी सेगा ये आखिरी वीडियो है शादी सेगा की, अब होगा तुर्की सेगा, फिर होगा हंजा सेगा, बड़ा आगे बड़े प्लान है। तो जब मैंने उनको मैंने तुम्हारी व्लॉग वाली वीडियो दिखाई तो बहुत हंसे, कहते अच्छा ये है। फिर उन्होंने कहा कोई छोटे भाई को चंडे लगा रहा है या इस तरह करके तुम्हें भी लगाएगा। उनका मेन ये था कि यार अगर करनी है तो सीधा निकाह करो, ये इंगेजमेंट एंगेजमेंट उनको समझ नहीं आ रही। पहले मैं इन चीजों पे उनसे लड़ता रहा कि नहीं मैंने इंगेजमेंट ही करनी है, कभी फलानी जगह फटा हो गया, कभी ये हो गया, कभी मैंने वो बात कर दी, कभी ये, इस तरह ना एक खिचड़ी चलती रही बीच में। तुम लोग यकीन करो 12 अप्रैल 2022 जिस दिन हमारी शादी हुई थी ना, निकाह हुआ था जिस दिन, बिलीव मी एक दिन पहले, एक दो दिन पहले ये चीज डिसाइड हुई थी कि हमने निकाह करना है। हम लोगों की एंगेजमेंट की प्लानिंग थी, साथ में हम लोगों ने एक दो दिन पहले डिसाइड किया कि हम लोगों ने निकाह करना है, उससे पहले ये डिसाइडेड ही नहीं था। साथ में से शाम को मिलने आया, कहता इनकार कर दो, बोलो कि इनकार। हाँ मैं इसकी तरफ आया क्योंकि मेरे घर वाले कह रहे हैं कि निकाह करना है, इंगेजमेंट नहीं, ठीक है। वो इसके घर वालों को भी किसी तरह कन्विंस करते है, तो मैं इसकी तरफ गया। मैंने कहा यार अगर तुम्हें सूट नहीं कर रहा या अगर तुम्हें लगता है कि तुमने अभी टाइम लेना है निकाह ये वो, तो तुम मना कर दो, मना तुमने करना है। मैं तो नहीं अपने घर वालों को कह सकता कि वो शादी नहीं करना चाह रही, मना तुमने करना है, वो तुमसे निकाह का कह रहे हैं, तुम उनको मना कर दो। हम लोग खैर बैठे रहे आधे घंटे 40 मिनट बैठे रहे, रोजा नहीं था सहरी होने वाली, बैठी रही। अचानक इसने मेरी तरफ देखा, कहती शादी कर लेते हैं। मैं जो पागल हुआ वहीं पे, इजी फील हुआ, मतलब मेरा सर से लेके पैर तक ना ऐसे कोई अचानक ही कोई बोझ उतरा। मैंने उसी वक्त मैंने घर मैसेज किया कि अरूप इज रेडी फॉर निकाह, मेरे बाबा ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन एक मैसेज किया, बस बात खत्म। उसके बाद फिर हम लोगों ने, तुम लोगों ने ब्लॉग्स देखे, एंगेजमेंट की शॉपिंग करने गए और ये सब। तुम लोगों ने, मैंने बताया था कि निकाह भी हो रहा है इस वीडियो के अंदर, मैंने तुम लोगों को बताया था कि उसके अंदर निकाह हो रहा है, वरना हमें खुद भी नहीं पता था कि निकाह हो रहा है डायरेक्ट, और एंगेजमेंट का प्लान था। अब बीच में कुछ चीजें इस तरह की आई जिससे मैं तुम लोगों से भी कंप्लेन करना चाहूंगा कि यार मैंने इसको शो नहीं किया हुआ था इंटरनेट पे, इसका अकाउंट प्राइवेट था, मैंने जो है इसको शो नहीं किया हुआ था। कुछ लोगों ने जो है इसकी पिक्चर्स वीडियोस वगैरह ना वायरल करनी शुरू कर दी। अब देखो अगर जो चीज मैं चाह रहा हूँ ना कि वो प्राइवेट रहे, तुम लोगों ने उसको इतना वायरल किया, वो टिकटॉक पे 3-3, 4-4 मिलियन व्यूज पे वो वीडियोस जा रही है, फेसबुक पे 2-2, 3-3 लाख व्यूज उसके वीडियोस जा रहे हैं। मैं कभी किसको कह रहा हूँ कि यार ये रुवाओ, कभी किसी को मैसेज कर रहा हूँ कि यार ये हटा दो, तो वो चीज मुझे यार तुम लोगों की पसंद नहीं आई। तुम लोग मेरे भाइयों की तरह हो, मैं अगर कोई चीज बता रहा हूँ तो तुम लोग उस चीज को थोड़ा बहुत सोचो कि मेरा प्लान शुरू में था ही नहीं कि मैं
मैं इसको वीडियोस में लेके आऊं। हमारी क्या बात होती थी जरा लोगों को बताओ। मेरा अपना भी दिल नहीं हमारी लिप, मैं यूट्यूबर हूं ठीक है, तो मतलब बहुत सारे लोग देखेंगे शादी हुई है। अब इंस्टाग्राम फोटो पे 4 लाख, कोई दूसरी फोटो पे 3 लाख, यूट्यूब वीडियो पे कोई 2.78 मिलियन व्यूज, तो वो कोई 60-70 लाख बंदे ने तो वो शादी देख लिया है। तो मैंने इसको बताया था कि यार देखो बात यह है कि अगर हम लोग शादी पब्लिकली करते हैं तो वो 60-70 लाख बंदा देखेगा, उसमें कुछ लोग तुम्हें मिल जाएंगे उस तरह की उल्टी सीधी बातें करने वाले भी मिल जाएंगे, लेकिन मेरी ऑडियंस जो है वो अच्छी है। ये भी मैंने इसको बताई हुई है बात कि यार मेरी ऑडियंस इस तरह की नहीं है, तुम्हें तंग नहीं करेगी, तुम्हें अगर कोई उल्टा सीधा कोई मैसेज नहीं करेगा, उल्टा सीधा कोई कॉमेंट नहीं करेगा, और उस चीज़ के लिए मैं तुम लोगों को थैंक यू कहता हूँ, तुम लोगों ने चवल नहीं मारी ज्यादा। लेकिन उससे पहले जब मैंने इसको नहीं शो किया हुआ था तो कुछ लोगों ने इसकी वीडियोज वगैरह बनाई, कुछ लोगों ने गलत एजम्पशन लगाए, और लोग मजे की बात यह है वो ये लड़की थी भी नहीं, कुछ लोग बड़ी अपनी तरफ से हीरो बन रहे हैं टिकटॉक पे, फेसबुक पे, डिटेक्टिव जी पता नहीं कहाँ से ढूंढ निकाला वो कोई इकरा नाम की लड़की, पता नहीं कहाँ कहाँ से लड़की कोई वो जी वो कंक्लूड करते रहे कि बस यही है। अब वो जो थी दूसरी इकरा नाम की लड़की वो भी मेरी दोस्त थी, उसके घर वाले अलहदा परेशान हुए थे कि ये क्या चल रहा है। तो तुम लोगों ने यकीन मानो मैं तब दुबई में था और लेकिन फिर भी मैंने तुम लोगों के लिए ब्लॉग निकाले, ना मैंने तुम लोगों से इसकी कोई कंप्लेन वगैरह की, लेकिन खैर ये चलो हो गया जो हो गया, आइंदा चलो ध्यान रखना। जो चीज मैं चाह रहा हूँ कि यार पब्लिक ना हो उस चीज का यार देखो पर्दा रख लिया करो असली इंसान के लिए, और यार इसके लिए बहुत मुश्किल था यार, ये इसने रोना शुरू कर दिया, तुम लोगों को पता नहीं है, ये यूट्यूबर नहीं थी, ये इंस्टाग्राम पे नहीं थी, एक नॉर्मल लड़की थी जिसने स्कूल जाना होता है कॉलेज जाना होता है और इसकी फोटो वीडियो जो है वो वायरल हो रही है, डकी भाई की वाइफ मिल गई, डकी भाई की वाइफ फेस रिवील हो गया एवरीथिंग, इसके लिए बड़ा हार्ड टाइम था। देखो मैं तो यूट्यूबर हूँ, मेरी तरफ से तुम लोग मेरा टोटा लीक कर दो, मुझे क्या है, मुझे इशू नहीं है, वो नहीं है इस तरह की, उसका ताल्लुक नहीं होना था सोशल मीडिया से, तो इस पर बहुत ज्यादा गुजरी। फिर मैंने इसको एक बात समझाई, हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर मैं अनाउंस नहीं करता कि हमारी शादी है या मैं तुम्हारा फेस रिवील नहीं करता, हम लोग बाहर नहीं घूमने जा सकेंगे, हम लोग मिल नहीं सकेंगे बाहर पब्लिकली, हम लोगों ने साथ अगर बाहर खाना खाने जाने वो नहीं हम कर सकेंगे क्योंकि लोग दूर से फोटोज वगैरह लेते हैं, लोग अभी भी लेते हैं। लेकिन उसमें मुझे इशू इसलिए नहीं है क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको इंट्रोड्यूस करवा चुका हूँ पिछली कुछ वीडियोस से, शादी वाली वीडियोस से। पहले मैंने इसको कहा कि यार मेरे लिए और तुम्हारे लिए दोनों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि अब मैं डेली व्लॉग करता हूँ, मैं बाहर जाऊंगा, मैं वो रोस्टिंग शोस्टिंग वो थोड़ा कम है क्योंकि अब मैं घर बैठ के मेरी वीडियोज करनी है, मेरा बाहर जाके वीडियोज का है। तो मैंने इसको कहा कि यार तुम एक काम करो, ज्वाइन मी, तुम अपना इंस्टाग्राम बनाओ, तुम भी एक यूट्यूबर बन जाओ। मैंने इसको ये कहा कि तुम भी यूट्यूबर बन जाओ, लेकिन मैंने इसको कहा कि तुमने कभी भी किसी के बारे में बात नहीं करनी, किसी को तुमने उल्टा सीधा नहीं बोलना, किसी को तुमने नीचा नहीं दिखाना, किसी के सामने एटीट्यूड शो करने की जरूरत नहीं है, हम्बल तरीन रह के जो है तुमने यूट्यूबिंग करनी है, फिलहाल तो इंस्टाग्राम वगैरह है। लेकिन शुरू में मेरा प्लान नहीं था कि मैं इसका फेस रिवील करूं, दूर दूर तक प्लान नहीं था, वो तुम लोगों ने जो है मुझे एक तरह से जो है फोर्स कर दिया कि मुझे अब उसको वीडियो में इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, वरना मेरा शुरू में प्लान ये था कि मेरे लिए कैमरा पकड़ा करेगी और घर वालों को भी इसको भी मैंने कहा कि यार अगर हम लोग शादी करते हैं तो 12 अप्रैल को करते हैं, और here we are. अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी स्टार्ट हुआ है। तो हाँ, सो दिस इज द एंड ऑफ शादी सहगा खत्म हो गया। अब हम लोग जाएंगे तुर्की, ठीक है, वीजा चीजा लगवाते हैं, ये बेचारी नहीं आ सकती, ठीक है, इसको भी अलाउ नहीं किया हुआ कि मेरे साथ जो है आउट ऑफ सिटी जा सके, ग्रुप टूर लगता है तो इसको समझा लेंगे किसी तरह, इसको किसी तरह कन्विंस कर लेंगे। लेकिन अभी जो है अभी हम लोग जाएंगे मां सफदर के साथ, वो अलहदा शुगल है, और उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे पता नहीं कहाँ पे, और भी आगे वो ट्रिप वगैरह देखते रहेंगे। और गर्मी चढ़ गई पार्ट 5, गर्मी चढ़ गई पार्ट 5 जो है मैं इस वीडियो के अंदर अनाउंस कर रहा हूँ, नीचे कमेंट के अंदर वो तुम लोगों ने डेयर देने हैं जो तुम लोग को लग भी नहीं रहा हो कि मैं पूरे करूंगा, पब्लिक में जाके फलाने बंदे के साथ ये करूं, बेश ऑब्वियसली लीगल होना चाहिए ये ना, पकड़ के ले जाए मुझे जैसा जो हो भी सके, उतने वाले तुम लोगों ने डेयर देने, टेंशन नहीं लेनी, गर्मी चढ़ गई पार्ट 5 जो है यहाँ पे अनाउंसमेंट होने जा रही है। ओए हाँ, शादी सहगा के बाद ईद सहगा है, ईद आएगी अभी, ख्याल रखना, गर्मी चढ़ गई पार्ट 5 इज ऑन। तुम लोग पुराने 2 एपिसोड जो है वो पहले देख के आओ, वहां पे तुम लोग देखो कि मैं किस टाइप के डेयर करता हूँ, उससे प्लस 1 देना ईद के पहले 3 दिन के अंदर जो है मैं रिलीज कर दूंगा, तुम लोगों को पता ही है साथ में डेली व्लॉग भी करना है, फिर गर्मी चढ़ गई पे भी काम करना है, तो यार वो थोड़ा लग सकता है, टाइम शाइम लग सकता है, डन करो, मिलते हैं। नहीं मेरा हो गया यार, कौन कॉल करा बार बार। वैसे एंडिंग में कुछ है क्या देखता नहीं है। हाँ तो मैं बोलना चाहूंगा बहुत जबरदस्त था, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी यार इनका, बहुत पहली बार मिलने के लिए कितना टाइम लगा दिया इन्होंने, एंड
इतना स्लो प्रोग्रेस मैंने आज तक देखा नहीं है कोई कपल के बीच में. बहुत लाइक स्लो. अरूप कैसा देख रही थी यार साथ के तरफ, मतलब कितने प्यार से. हाँ वो भी कितने प्यार से देख रही है. मुझे भी ऐसी कोई लड़की ढूंढनी पड़ेगी जो मुझे इस तरह प्यार से देखे. यूजुअली लड़कियां मेरी तरफ नहीं, लड़कियां यूजुअली मेरी तरफ देखती है फिर डायरेक्ट मुंह टेढ़ा कर देती है. फेंक रहा है. मैंने बहुत बार देखा है मॉल वगैरह में जाते ना तो मतलब बर्गर वगैरह कुछ भी ऐसे खाते रहते, कोई आसपास लड़की रहेगी ना तो ऐसे राज की तरफ आई कांटेक्ट करने का ट्राई करती है. लेकिन ये कब हुआ मुझे क्यों नहीं पता. आते हैं डक्की भाई के टॉपिक पे. तो ये वीडियो मतलब इतनी अच्छी लगी देखने का, और जो स्टोरी था सुनकर काफी अच्छा लगा. मतलब सीरियसली हाँ बहुत डिफरेंट था. और मुझे सबसे मतलब ऐसा वो लग रहा था जो उन्होंने अपनी वाइफ को लाने का कितना टफ था मतलब यूट्यूब वीडियोस पे, और जैसे सोशल मीडिया पे उनको कोई इंटरेस्ट भी नहीं है जैसे उनकी वाइफ को, फिर भी उनको लाना पड़ा क्योंकि पब्लिक कुछ भी रायता फैला रही थी इसके लिए. एंड वो मैं एक्चुअली वो भी सोच रहा था, एक वीडियो था जिसमें वो रेस्टोरेंट में जाके बैठे थे एंड फैंस आते जा रहे थे डक्की भाई के पास फोटो लेने के लिए, पिक लेने के लिए साथ में. तो ऑब्वियसली उन्होंने देख लिया होगा रूप को. तो ऑब्वियसली सब फैंस ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन कुछ अगर 100 फैंस आए डक्की के पास तो उसमें से एक तो ऐसा रहेगा जो लीक कर देगा. और मुझे ऐसा लगता है उसमें से भी किसी ने किया भी होगा लीक, क्या पता. वही बोल रहा है ना डक्की की मजबूर हो गया कि करना ही पड़ा, नहीं तो करेक्ट लीक करे या रॉन्ग लीक करे प्रॉब्लम तो है ही. वो इकरा जो उसकी दूसरी फ्रेंड है उसको भी कितना बकवास लगा होगा. तो ऐसा नहीं करना चाहिए. आई नो बहुत इंटरेस्ट होता है, अभी हम लोग भी कितने इंटरेस्ट से देख रहे थे ये स्टोरी के स्टोरी टाइम वीडियो. जबकि अगर ये चीज़ ना, मैं ये वीडियो जितना इंटरेस्ट से देख रहा था, अगर मेरा कोई नॉर्मल फ्रेंड भी बता रहा है अपना लव स्टोरी, मैं उतना इंटरेस्ट से नहीं सुनूंगा जितना इसमें मैं इंटरेस्टेड था. क्योंकि डक्की फेमस है, उसके वीडियोस फनी होते हैं, हम लोग काफ़ी टाइम से वीडियोस देख रहे हैं, तो वो ऐसा अटैचमेंट हो जाता है, ऐसा लगता है कि हम जानते हैं. जैसे अरूप भी बोल रही थी कि डक्की के वीडियोस देख के उसको लगता है एज ए सब्सक्राइबर कि वो डक्की को अच्छे से जानती है, लेकिन डक्की इसको नहीं जानता. तो वैसा एक रहता है. तो हमें भी ऐसा लगता है कि और किसी लड़के के साथ हो तो फिर डक्की भाई बिंदास, लेकिन अगर किसी लड़की के साथ बैठे हैं तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है सीरियसली. मतलब लोग को इंटरेस्ट आता है ये लड़की कौन है, ये मिस्ट्री गर्ल कौन यार है. मतलब नॉर्मली देख लो ना, अगर आप अपनी कोई फ्रेंड के साथ खड़े हो और आपके पहचान वाले कोई आते हैं वहाँ से सामने से, तो आपके लिए कितना डिफिकल्ट हो जाता है. वो लड़की को मैं कहाँ छुपाऊँ, उसको ऐसे कह दूँ कि आकाश के साथ होता है ऐसा. नहीं मेरे साथ खुद को एक्सपोज कर दिया. नहीं मैं खुद को एक्सपोज नहीं करूंगा, लेकिन मेरे साथ एक बार ही हुआ था सिर्फ कि मेरी फ्रेंड थी और मेरे मतलब हम लोग खड़े थे. फ्रेंड थी पक्का? यस फ्रेंड थी मेरी. हम लोग एक बार खड़े थे तो सामने से मेरे चाचा आ गए. उस वक्त ना वो मुझे साथ देखकर स्माइल कर रहे थे और मैं उनको देखकर स्माइल कर रहा था, और मुझे ना बहुत ऐसा अजीब लग रहा था. मतलब उनकी जो होगा, हाँ उनकी जो स्माइल थी ना वो एक्चुअली बहुत ऐसे कहते ना शर्मिंदा करने वाली स्माइल थी. मुझे ऐसी स्माइल नहीं थी कि हाँ बेटा तो फ्रीली खड़ा रहे, लेकिन उनका घर पे जाने के बाद मतलब जब वो मुझे मिले ना तो उनका वो बात को लेके कोई ताल्लुक, मतलब वो उन्होंने वो बारे में बात ही नहीं की. मतलब वो भी समझते कि दोस्त है अभी, अच्छे अभी के नौजवान है तो क्या है. और ऐसा हमारा खैर छोड़ते हैं, वो तो चलती रहेगी बात. लेकिन ये वीडियो बहुत अच्छा था यार, बहुत क्यूट लगा यार ये. एंड दोनों का इंटरेक्शंस, दोनों का आई कॉन्टैक्ट जैसे हो रहा था, बहुत ही क्यूट सा. एंड दिखता है प्यार दिख के आता है, वो भी नया नया प्यार लगता है क्योंकि इन्होंने बहुत लेट स्टार्ट किया. एक्चुअल रिलेशनशिप पार्ट जो है बहुत लेट स्टार्ट हुआ. यूजुअली क्या होता है, आप किसी लड़की से मिलते हो, ज़्यादा से ज़्यादा एक दो महीना बाद होता है फ्लर्ट होता है, एंड दो महीने से ज़्यादा तो रिलेशनशिप में आने में लगता नहीं है. एंड वो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, बता रहे थे ना कि डैड को, अरूप के डैड को दिखाना था वीडियो डक्की भाई का. कितना डिफिकल्ट होगा सोचना. मैं वही सोचने पड़ गया. मैं बोला यार कब दिखाई होगी, मतलब व्लॉग वाली दिखाई होगी या मतलब लकीली करेक्ट टाइम पे व्लॉगिंग स्टार्ट किया. अगर रोस्टिंग दिखाई होती तो कैंसल, शादी हुआ ही नहीं रहा था. लेकिन रिश्ता कैंसल. लेकिन लकीली करेक्ट टाइम पे व्लॉगिंग स्टार्ट किया. लेकिन ये चीज बहुत जन रियलाइज नहीं करते, ये जो इतना ओपनली गालियाँ देते हैं और बहुत ही नॉन फैमिली फ्रेंडली वीडियोस बनाते हैं, उनको भी बहुत ही डेयरिंग होना पड़ता है. क्योंकि
एट लास्ट आपके फैमिली को पता होता है आप वीडियोस बनाते हो, आपके फैमिली के भी कोई ना कोई देख लेंगे वीडियोस, तो आपको वो डर तो हमेशा होता है। हम लोग बिल्कुल गाली नहीं देते वीडियोस में, और रियल लाइफ में भी हमारा गाली की गलौज का ये सिस्टम है नहीं इतना, फिर भी जब फैमिली देखता है वीडियोस तो ऐसा लगता है ओ नो कुछ बोल तो नहीं दिया ना कुछ ऐसा ऐसा वैसा। लेकिन अभी हमें स्टार्ट करना है गाली देना वीडियोस मजाक कर रहा यार, बहुत ही फन था। और स्टोरी टेलिंग भी जो था, देखो स्टोरी टाइम वीडियोस बहुत लोग बनाते हैं, लेकिन ऑडियंस को इंटरेस्टेड रखना पूरे स्टोरी में, ये वीडियो छोटा भी नहीं था, ये वीडियो था 23 मिनट्स का, 23 मिनट्स कब गया पता नहीं चला, और यह यूनिक स्टोरी है। एक तो फर्स्ट टाइम मिलने के लिए इतना टाइम लगा दिया, फर्स्ट टाइम कॉल पे बात करने को इतना टाइम लगा दिया, और इतने कम बार मिलके, 4-5 बार मिलने के बाद शादी भी हो गया, 2018 से बात कर रहा स्टिल, लेकिन इमेजिन नहीं कर सकता 2018 से किसी से बात कर रहा है, सिर्फ 5 बार मिले और शादी हो गया, निकाह हो गया अभी तक रुखसती बाकी है, वो तो है। रुखसती भी बहुत ही अमेजिंग व्लॉग रहेगा आई गेस। एक्साइटेड हूँ मैं डायर्स के लिए भी एक्साइटेड हूँ, जो डक्की भाई एंडिंग में बात कर रहा था कि डायर वाला वीडियो आने वाला है, उसमें से शायद से मैंने एक देखा हुआ है उसमें से। हाँ मैंने भी देखा हुआ, मैंने फर्स्ट वाला नहीं देखा, सेकंड वाला देखा है। जो भी है बहुत एंटरटेनिंग था, मज़ा आया, और बिल्कुल मोहल्ले की आंटियों की तरह हम लोग ने एंजॉय किया दूसरे के लाइफ को देखना, तो आपने भी एंजॉय किया। मैं तो वो मोहल्ले की आंटी नहीं हूँ, यहाँ बैठी है। हाँ बेटा यस आंटी, आपके लाइफ में कोई है स्पेशल लड़की? बहुत आजकल खिड़की से मैं देख रही थी कोई लड़की के साथ घूम रहे थे आप बेटा। नहीं आंटी ऐसी कोई बात नहीं, अगर होगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा आकर। आपके मम्मी से बात करूं कुछ? नहीं नहीं ये क्या चल रहा है वीडियो के एंड में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।